नमस्कार, मैं रीना, आप देख रहे हैं बिंदु भारत। रीवा में चुनाव के लिए प्रेरित करने, कर्मचारियों, राजनीतिक दलों, पत्रकारों के डाउट क्लियर करने के लिए चुनावी पाठशाला सेंटर की गई स्थापना। जिले व जनपद के 5 सर्वश्रेष्ठ मतदान केंद्रों को किया जाएगा सम्मानित, कलेक्टर रीवा ने पत्रकारों को बताया। रीवा में आज चुनावी पाठशाला का विधिवत शुभारंभ किया। कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प ने, कलेक्टर रीवा चाहते हैं चुनावी पाठशाला के माध्यम से हम लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करें, उन सभी के डाउट क्लियर करें जिनको मतदान को लेकर कोई भी समस्या है, फिर चाहे वह कर्मचारी हो, राजनीतिक दल का सदस्य या फिर पत्रकार हो। रीवा जिले में इस बार निर्दलीय और दलीय आधार पर चुनाव हो रहा है। सभी के अपने अपने डाउट हैं, हमें सभी को दूर करना है। इसके लिए हम जनपद नगर पंचायत में भी चुनावी पाठशाला खोलेंगे। ईवीएम को लेकर भी किसी के मन में कोई शंका होती है तो उसको भी दूर करेंगे। यहाँ पर एक मास्टर ट्रेनर की तैनाती रहेगी जो किसी की भी समस्या को मिनटों में दूर कर देगा। इस बार हमने तय किया है मतदान केंद्रों में बेहतर व्यवस्था करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करेंगे। जनपद पंचायत के 5 केंद्रों को, वहीं जिले के 5 टॉप मतदान केंद्रों को पुरस्कृत करने की हमने योजना बना रखी है। इस बारे में हमने रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प से बात की, आप भी सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। पहल शुरू की गई, एक पाठशाला का खोली गई, चुनाव की पाठशाला, क्या उद्देश्य है इसका? इसके दोनों उद्देश्य हैं। एक तो स्वीप की एक्टिविटी के अंतर्गत हम लोगों को चुनाव के लिए प्रेरित करने और जोड़ने के लिए इस तरह के सेंटर सभी अर्बन बॉडी में और सभी जनपद मुख्यालयों पर बना रहे हैं, ताकि एक तो लोग उससे जुड़े, दूसरा इसके माध्यम से हम उन सभी लोगों के डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं जिन्हें इसमें डाउट्स होता है। कई बार हम ट्रेनिंग दे देते हैं लेकिन बाद में कर्मचारी को किसी चीज़ में कोई डाउट रहता है तो वो या तो फ़ोन लगाता है या किसी से जाके पूछता है या आपस में डाउट शेयर करता है। हमारी कोशिश यह है कि ऐसे सभी जगह सेंटर बने रहेंगे तो वो कभी भी 10 to 5 वहाँ पर वॉक इन कर सकता है और आके अपने डाउट क्लियर कर सकता है। जो पॉलिटिकल पार्टी हैं और जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी, कोई डाउट क्लियरिंग करना हो तो वो यहाँ वॉक इन करके अपनी बात पूछ सकते हैं। आप सभी जो मीडिया के हमारे साथी हैं उनके मन में भी कई बार नियम कानून प्रक्रियाओं के बारे में ऐसे डाउट्स आ जाते हैं। दूसरा, जो रूरल चुनाव है और अर्बन चुनाव है उनमें कई जगह बारीक अंतर है, क्योंकि वो दलीय आधार पर हो रहा है, ये गैर दलीय आधार पर हो रहा है, तो उसके कारण भी कई बार कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, तो उसको भी आप यहाँ पहुँचेंगे। इस तरह के सेंटर्स हम सभी जनपद में भी तैयार कर रहे हैं, सभी नगर पंचायत में भी तैयार कर रहे हैं, तो जो जहाँ है वहीं वॉक इन करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है। यहाँ पर एक मास्टर ट्रेनर भी उपलब्ध रहेंगे जो 10 से 5 के बीच में आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। इसके अलावा हमने ईवीएम के प्रचार के लिए हर अर्बन बॉडी में और नगर निगम क्षेत्र में ईवीएम का हर मोहल्ले में, हर वार्ड में उसका डेमोंस्ट्रेशन कर रहे हैं, ताकि मतदाताओं को और जो चुनाव से जुड़े हुए राजनीतिक लोग हैं या प्रशासनिक लोग हैं उन सबको ईवीएम के डेमोंस्ट्रेशन के संबंध में, उसके ऑपरेशन के संबंध में कोई डाउट्स हो तो वो उसको क्लियर करा लें। एक प्रयोग हम और भी कर रहे हैं ताकि मतदान केंद्रों पर बेहतर व्यवस्था हो, इसके लिए एक कॉम्पिटिशन किया जा रहा है कि हमारा मतदान केंद्र सबसे खूबसूरत है, और इसमें हम हर जनपद के 5 सबसे बेहतर को पुरस्कृत करेंगे और जिले के टॉप 5 मतदान केंद्र से जुड़े हुए जो हमारे कर्मचारी होंगे उनको हम करेंगे। उसके लिए हर पंचायत, हर मतदान केंद्र पर एक कोर टीम बन रही है जिसमें कटिंग एज के लोग होंगे, ग्राम सहायक है, रोजगार सहायक है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, इस तरह के जो लोग हैं वो रहेंगे, और जिले के सभी जनपद पंचायतों में 5 सबसे खूबसूरत मतदान केंद्रों को और जिले भर के 5 सबसे खूबसूरत मतदान केंद्रों को पुरस्कृत किया जाएगा। चुनावी पाठशाला की शुरुआत की गई है। प्रदेश